हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, तो ज्योग्राफी के अंदर आज हम चैप्टर 1 आर यूनिवर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वैसे अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अर्थ इज़ एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़। अब सन और अर्थ के बीच में जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपीहिलियन। तो एपीहिलियन के टाइम पे सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। और ये एपीहिलियन वाली पोजिशन कब होती है? ये होती है July 4 को। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे जो सन की पोजीशन है ये सेंटर में दे रखी है, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये सन है और सन के आसपास जो अर्थ घूम रही है ना, तो वो कुछ इस तरह से घूम रही है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, जब अर्थ यहाँ पे होती है, ये वाला डिस्टेंस होता है एपीहिलियन, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। जब अर्थ इस पॉइंट पे होती है तो ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होता है, जिसको बोलते हैं पेरिहिलियन, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने सन सेंटर में दे रखा है, बट एक्चुअल जो सन की पोजिशन है वो कुछ इस जगह पर होनी चाहिए थी। तो ये जो एपीहिलियन वाला डिस्टेंस होता है ये कितना होता है? 1.017 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। और पेरिहिलियन कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को, राइट। तो जो बाकी का ये अप्रैल और अक्टूबर वाला देखे तो यहाँ पे जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो सेम होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और पेरिहिलियन में जब सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.983 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 डिग्री ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ मेजर्स। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये मैथ का कॉन्सेप्ट है वैसे तो। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये जो अर्थ है ना, अर्थ का ये जो घेरा है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस टोटल कितना है? 360 डिग्री का होता है टोटल, जो अगर हम देखें अर्थ का जो टोटल है तो ये 360 डिग्री है। और इस 360 डिग्री में जब हम 1 डिग्री मूव करते हैं ना इस सर्कमफेरेंस के ऊपर, यहाँ पे जब हम 1 डिग्री यहाँ पे मूव करेंगे तो हम टोटल डिस्टेंस अर्थ पे कितना ट्रैवल करेंगे? हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं जब हम 1 डिग्री मूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी हैव अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर? 4 साल के बाद लीप ईयर क्यों आता है? हमारी जो टोटल ईयर की लेंथ है वो कितनी है? वो है 365 डेज एंड 6 आवर्स, अगर हम देखें तो, ठीक है। हमारी जो टोटल साल की लेंथ होती है वो होती है 365 डेज 6 आवर्स। अब ये जो 6 आवर्स है ये हम एज इट इज़ इनको काउंट नहीं करते। अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि एक साल हम बोलेंगे जी जो न्यू ईयर होगा वो रात को 12 बजे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, हम सुबह के 6 बजे सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम बोलेंगे जी नहीं, अगले दिन दोपहर को 12 बजे न्यू ईयर होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स होते हैं ना, इनको ऐड करते रहते हैं हर साल, इन 6 आवर्स को ऐड करते हैं, और 4 साल के बाद जब जे 24 आवर्स बन जाते हैं तो वो आ जाता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो हमारे डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज, वो 366 डेज हो जाते हैं। ये जो 24 आवर्स 4 साल के बाद बनते हैं, इसका हम 1 दिन जो लीप ईयर है वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, फरवरी के महीने में ऐड करते हैं। तो फरवरी का जो मंथ होता है लीप ईयर में वो 29 डेज का होता है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा कि लीप ईयर क्यों होता है? क्योंकि जो ईयर की लेंथ है ना वो एक इंटीजर नंबर ऑफ डेज नहीं है। ऐसे नहीं कि 365 डेज होगी या 366 डेज होगी, इसके साथ एक्स्ट्रा 6 आवर्स भी है। तो इसीलिए इंटीजर नंबर ऑफ डेज नहीं है हमारी ईयर की लेंथ, इसीलिए हर 4 साल बाद हम लीप ईयर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज़ ड्यू टू। अब डे एंड नाइट की ड्यूरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं पूछा गया हमसे कि दिन और रात बनते क्यों हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो दिन और रात की ड्यूरेशन है ना वो चेंज क्यों होती है। लाइक जैसे समर मंथ्स की अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो यहाँ पे समर मंथ्स में क्या होता है, समर मंथ्स में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, रातें छोटी हो जाती है। इसका उल्टा विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में जो दिन है वो छोटे रह जाते हैं, रातें
लंबी हो जाती है। तो जो दिन रात की ड्यूरेशन है ना, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन। तो ये चेंज क्यों होती है? एक तो ये चेंज होती है अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से। अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो उसकी वजह से जो दिन रात की ड्यूरेशन है वो चेंज होती है। अर्थ का जो पार्ट, जो हेमिस्फीयर, जो भी नदरन हेमिस्फीयर, अगर अर्थ का वो टुवर्ड्स द सन है, तो नदरन हेमिस्फीयर में दिन लंबे होएंगे, रातें छोटी होएगी। उसका उल्टा उस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होएगा? दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएगी, राइट? सेकेंड, इसका रीजन क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पे जो अर्थ का प्लेन ऑफ ऑर्बिट है वो इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से जो दिन रात की ड्यूरेशन है वो चेंज होती है। जो अर्थ है उसकी जो एक्सिस है ना, वो ऐसे सीधी ना होकर वो थोड़ी टिल्टड है, ऐसे टिल्टर है, ठीक है? तो ये जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, यहाँ पे जो अर्थ है वो 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है? थोड़ी टिल्टर है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है, इसकी वजह से भी दिन रात की जो ड्यूरेशन है वो चेंज होती रहती है। सेकंड रीज़न है कि अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है। अब यहाँ पे सन है तो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, तो जो पार्ट अर्थ का जो हेमिस्फीयर जो टुवर्ड्स द सन होएगा, वहाँ पे समर्स होएंगे, दूसरी जगह पे विंटर्स होएगी, तो उस अकॉर्डिंग जो दिन की ड्यूरेशन है, दिन और रात की, वो भी चेंज हो जाएगी, राइट? तो इसका आंसर क्या है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो है वीनस। क्यों वीनस ब्राइटेस्ट है? क्योंकि वीनस के जो क्लाउड्स है ना, वो जो सनलाइट वीनस पे पहुंचती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसकी वजह से जो वीनस है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट की तरह हमें दिखाई देता है। अगर आप सनराइज से पहले या सनसेट के बाद आप आसमान की तरफ देखोगे, तो आपको एक चमकता हुआ, बहुत ही तेज चमकता हुआ तारा नजर आएगा। एक्चुअल में वो स्टार नहीं है, वो वीनस प्लैनेट है, जो हमें अर्थ से भी दिखाई देता है। तो वीनस क्या है? हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म मिडनाइट सन? मिडनाइट सन क्या होता है? अब हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस करा था कि जो नदरन पोल वाला एरिया है अर्थ पे, ये अर्थ है, तो अर्थ पे ये आ गया नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल वाला ये जो एरिया है आर्कटिक सर्कल का, और साउथ पोल वाला ये जो एरिया है अंटार्कटिक सर्कल का। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। जब नदरन पोल टुवर्ड्स द सन होता है तो यहाँ पे 6 महीने तक दिन ही रहता है। जब सदर्न पोल टुवर्ड्स द सन होता है तो यहाँ पे भी 6 महीने तक फिर दिन ही रहता है। और जब सन नदरन पोल की तरफ होता है तो यहाँ पे नाइट होती है, जब सन सदर्न पोल की तरफ होता है तो नदरन पोल पे नाइट होती है। अब जब 6 महीने तक सन नदरन पोल पे लगातार दिखाई देता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो 6 महीने तक जो सन है वो नदरन पोल या सदर्न पोल पे, जो भी जो हेमिस्फीयर हमारे अर्थ का टुवर्ड्स द सन है, वहां पे जो सन है ना नदरन पोल पे, 6 महीने तक दिखाई देता ही रहेगा कंटिन्यूसली। तो इसीलिए अब इसको बोलते हैं मिडनाइट सन, मतलब कि यहाँ पे रात को भी सन दिखाई देता है, ठीक है? यहाँ पे रात को भी सन दिखाई देता है जब 6 महीने दिन होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। पोलर सर्कल पे जब 6 महीने तक लगातार सन दिखाई देता रहता है, चाहे वो मिडनाइट हो चाहे वो दोपहर का टाइम हो, तो इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सेस इज वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ जो अपनी एक्सेस पे रोटेट करती है, एक्सेस समझते हो ना, ये जो अर्थ की एक्सेस है, इस पे जो अर्थ रोटेट करती है वो कैसे रोटेट करती है? वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, के वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये रोटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सेस टू द ऑर्बिटल प्लेन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ठीक है? अब ये है हमारी अर्थ, तो अर्थ का ये वाला जो प्लेन होता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है? ये कौन सा हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा, ठीक है? ये परपेंडिकुलर है, ये ऑर्बिटल प्लेन है। अब जो अर्थ है ना, वो अपनी एक्सिस पे ऐसे सीधी नहीं है, वो एक्सिस पे टेढ़ी है, टिल्टड है यहाँ पे। तो ये टिल्ट होकर जो ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का, और दूसरी तरफ ये परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का,
ठीक है, ये एंगल बनाती है। तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल कितना बना रही है, 66.5 डिग्री का। अगर हमें पूछा जाए कि परपेंडिकुलर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का, राइट। तो ऑर्बिटल प्लेन का सही आंसर आ जाएगा 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, हम यहीं पे मैच कर लेते हैं इनको। मार्च 21 को क्या होता है, मार्च 21 को दिन रात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो इक्विनॉक्स मींस इक्वल, तो ये दो ऑप्शंस में दे रखा है इक्विनॉक्स। और मार्च 21 के बाद कौन सा सीजन शुरू होता है, स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नई पत्तियाँ लगती है। तो उस टाइम पर कौन सा, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या कंडीशन होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर वर्नल इक्विनॉक्स होता है। वर्नल का मतलब होता है कि कुछ नई चीज़ें निकल रही है, कुछ नए फूल खिल रहे हैं, नई पत्तियां निकल रही है पेड़ों पे, तो उसको बोलते हैं वर्नल। तो मार्च 21 को नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वर्नल इक्विनॉक्स, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, वर्नल इक्विनॉक्स। मार्च 21 को होता है वर्नल इक्विनॉक्स। जून 21 को क्या होता है, जून 21 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, समर सीजन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस। दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। थर्ड, सितंबर 21 को अगेन दिन रात बराबर हो जाते हैं, सितंबर 21 को इक्विनॉक्स इक्वल, इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल है। तो उसके बाद जो है सीजन कौन सा आता है, ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का सीजन आता है, तो उसको बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। और लास्ट, दिसंबर 22 को क्या आता है, दिसंबर 22 को हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, दिन छोटे होते हैं। दिसंबर 22 जो डेट है, इस दिन दिन सबसे छोटा होता है, रात सबसे लंबी होती है, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज। आप देखो, एक होता है रेडियस, एक होता है सर्कमफेरेंस, एक होता है डायामीटर। अब तीनों मैथ के कॉन्सेप्ट है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बचपन में पढ़े होते हैं, सबको पता ही होगा वैसे तो, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। अब ये है हमारी अर्थ, अर्थ इज लाइक अ सर्कल। तो इसमें रेडियस क्या होगा, इसकी सेंटर पोजीशन से लेकर जो ये डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है रेडियस का डबल। अगर हम यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस देखेंगे, ये क्या होता है, ये बन जाता है डायामीटर, राइट। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है इसका पूरा घेरा जो सर्कल का होता है, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। 2πr इसका फॉर्मूला होता है। तो खैर, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हमें समझना है कि रेडियस क्या है, डायामीटर क्या है एंड सर्कमफेरेंस क्या है। जो डायामीटर होगा वो रेडियस का डबल होगा। तो अर्थ का रेडियस कितना है, यहाँ पे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। तो रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो डायामीटर कितना होगा, डायामीटर होगा 12800 किलोमीटर, ठीक है। ये है अर्थ का डायामीटर, पर लेकिन यहाँ पे हमें रेडियस पूछा है, तो रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अगर डायामीटर पूछा जाए तो वो कितना है, 12800 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून। सैटर्न के सबसे बड़े मून का नाम क्या है, वो है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का टोटल सर्फेस एरिया कितना है, वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे ये तो एक दो चीज़ें, बाकी तो चलो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो याद करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट इक्वटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। इक्वटोरियल सर्कमफेरेंस कितना है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इक्वटोरियल सर्कमफेरेंस, तो ये है हमारा 40,000 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट है, एन एप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएचर आइडेंटिफाइड एज मैन अपियर्ड इन द। ये जो एप लाइक क्रिएचर आइडेंटिफाई किया गया था, उसको बोला जाता है कि वो उस टाइम पे एक मैन ही था। तो ये कौन सी एज में ये हमने देखा था, ये देखा था प्लिस्टोसिन इपोक में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डायनासोर अपियर्ड इन, फर्स्ट डायनासोर कब आया था, कौन सी एज में आया था, कौन से पीरियड में आया था, यह आया था ट्रायसिक पीरियड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट डायामीटर ऑफ द अर्थ। अभी हमने रेडियस देखा था 6400 किलोमीटर है, तो डायामीटर कितना था, 12800 किलोमीटर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट फोर सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर? जुपिटर के पहले चार जो सैटेलाइट्स है, मून है, उसको डिस्कवर किसने करा था? उसको डिस्कवर करा था गैलीलियो गैलीली ने. नेक्स्ट, विच प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज अर्थ? अर्थ जितना बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है? वो है वीनस, जिसको बोला जाता है अर्थ ट्विन. तो वीनस को अर्थ ट्विन भी बोला जाता है, तो क्वेश्चन में अर्थ ट्विन भी पूछा जा सकता है या फिर एज बिग एज अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो वो है हमारा वीनस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट दैट टेक्स 88 डेज टू मेक वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, सॉरी, तो सन का रेवोल्यूशन मतलब सन का चक्कर काटने को 88 डेज कौन से प्लैनेट को लगते हैं? वो है मर्कुरी, जो कि सन का नियरेस्ट प्लैनेट भी.